चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नीमच जिले के सिंगोली में बनने वाले 500 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन भूमि पूजन किया। इसका जिला स्तरीय कार्यक्रम नीमच के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। नीमच जिले में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट का भूमि पूजन गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ITI ग्राउंड जिला शाहजहांपुर से ऑनलाइन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नवीन एवं नवनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और मंत्री ओम प्रकाश अखिलेजा भी मौजूद रहे। नीमच में जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित हुआ, जिसे उपस्थित लोगों ने देखा और सुना। इस अवसर पर कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि नीमच के सिंगोली में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट का भूमि पूजन किया गया है। इससे सिंगोली के 3 गांव प्रभावित होंगे, जिसमें बाड़ी, कवाई और बड़ौदा शामिल है। इस प्लांट के लिए 900 हेक्टेयर जमीन ली गई है। वहीं 1700 करोड़ की लागत से प्लांट तैयार होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, ADM SR नायर, SDM ममता खेड़े, एडिशनल SP SS गणेश, तहसीलदार अजय हिंगे, महिला बाल विकास विभाग अधिकारी संजय भारद्वाज सहित कई अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। देखिए, ये पूरे प्रदेश का कार्यक्रम है, जिसमें आगर, शाहजहांपुर और नीमच जिले का है। और नीमच जिले में 500 मेगावाट पावर प्लांट का शुभारंभ हो रहा है सौर ऊर्जा का। इसमें 3 गांव सिंगोली तहसील के प्रभावित होंगे, बड़ी, कवाई और बड़ावदा। और इनमें करीब 968 हेक्टेयर जमीन ली गई है और साथ में लगभग 1700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, और जिसमें इतना सबसे लोएस्ट दाम पर पूरे विश्व में इसका पावर परचेज एग्रीमेंट 2.14 रुपये में हुआ है, जो आज इसका भूमि पूजन, इसका शुभारंभ और एग्रीमेंट किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और केंद्रीय मंत्री जी द्वारा। तो उसी का प्रोग्राम है, उसी से ये पंचायतों में जो प्रभावित पंचायत है उनमें भी प्रोग्राम का प्रदर्शन किया जा रहा है और जिले लेवल पे कार्यक्रम किया जा रहा है।